सो हे वेलकम गाइस, यार कैसे हैं आप सब। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हो कि भाई रियलमी C2 के अंदर जिन लोगों को अभी तक रियलमी UI का अपडेट नहीं मिला है उनको कब तक मिलेगा, और जिनको रियलमी UI का अपडेट मिल चुका है उनको जो है रियलमी UI के स्टेबल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। मतलब स्टेबल अपडेट बोले तो मतलब एंड्रॉइड 10 का जो स्टेबल अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आज की इस वीडियो है, आज का जो वीडियो है इसके ऊपर ही है। तो डिटेल्स में बात करेंगे दोनों टॉपिक के ऊपर। और गाइस यार, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। और गाइस यार, अगर आपके मन में डाउट है कि भाई इतना कम अंधेरा, मतलब इतना कम लाइट क्यों है, अंधेरा इतना ज़्यादा क्यों है, तो गाइस यार बिजली जो है वो चली गई है, पर मुझे तो वीडियो बनाना था इसलिए जो है जुगाड़ करके मैंने बैटरी का जुगाड़ करके सब लाइटिंग वाइटिंग किया है। तो गाइस यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना जो नॉर्मल वाला सेटअप होता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर जो अब मैंने जुगाड़ करके बनाया है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। सो करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट एक स्माइल के साथ। तो गाइस यार, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जिनको अभी तक रियलमी UI के ही अपडेट नहीं मिला है रियलमी C2 के अंदर उनको कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस यार, मैंने जो है रियलमी के एक ऑफिशियल जो व्हाट्सअप नंबर है पर मैंने व्हाट्सअप में उनसे बात किया था, मतलब रियलमी वालों से बात किया था कि कब तक रियलमी C2 के अंदर जिनको अभी तक रियलमी UI का अपडेट नहीं मिला है उनको देखने को मिलेगा अपडेट। तो उन लोगों ने रिप्लाई दिया था, आप देख सकते हो स्क्रीन शॉट में, यहाँ पर एक लिंक भेजा था उन लोगों ने बेसिकली, और कहा था कि रोल आउट स्टार्ट हो चुका है, आप चेक करते रहना आपको मिल जाएगा। और जो लिंक था वहाँ पर मैंने गया, जाने के बाद मुझे पता चला कि एक कम्युनिटी पोस्ट का एक लिंक है, तो वहाँ पर लिखा हुआ था साफ साफ कि जो अगस्त महीना है अगस्त के अंदर सभी, मतलब 2021 के अंदर अगस्त के महीने के अंदर सभी रियलमी C2 को रियलमी UI का अपडेट मिल जाएगा। और बहुत सारे यूज़र को तो मिल भी चुका है, और वहाँ पर कहा था कि उससे पहले ही मिल जाएगा अगर आप चेक करते रहना, मतलब चेक करते रहोगे तो। मतलब कैसे चेक करना है आप लोगों को तो पता ही है, सेटिंग के अंदर जाके, सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाके, उसके बाद आपको ट्रायल वर्जन के अंदर जाके चेक कर लेना है अपडेट है या फिर नहीं। अगर अपडेट आपको मिलता है तो नंबर देके यहाँ पर जो अपडेट है उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है, तो आपको रियलमी UI का अपडेट मिल जाएगा, मतलब बेसिकली एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिल जाएगा। तो ये तो शायद आप लोगों को पता ही है, और जिनको नहीं पता है बता दिया उन लोगों को। और गाइस यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके, क्योंकि 4000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है हमें जल्दी से जल्दी। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं जिनको रियलमी UI का अपडेट मिल चुका है पर अभी तक स्टेबल अपडेट नहीं मिला, मतलब जैसे कि मुझे भी नहीं मिला है स्टेबल अपडेट, किसी को ही नहीं मिला है, तो उनको कब मिलेगा। तो इसके रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप नंबर पर, उन्होंने इग्नोर कर दिया यार, बहुत बेइज्जती होगी। जो भी हो, उसके बाद मतलब मुझे जो लगता है आप बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस सर, जैसे उन लोगों ने बताया कि अगस्त के अंदर सभी रियलमी डिवाइसेस को रियलमी UI का अपडेट मिल जाएगा, मतलब एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिल जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फरवरी या फिर मार्च के एंड तक जो है हमें रियलमी UI का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। और रियलमी UI आने के बाद 3 या फिर 4 अपडेट आए स्टेबल करने के लिए अपडेट आए, और जिस अपडेट को देने के बाद थोड़ा बहुत तो स्टेबल हो ही चुका है, मतलब पूरा पूरी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है पर थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका है। क्योंकि पहले जब रियलमी UI का अपडेट मिला था बीटा अपडेट, तब फ़ोन चलता ही नहीं था, पर अब फिर मतलब धीरे धीरे चलने लगा है, अभी तक दौड़ना नहीं सीखा है पर चलने लगा है। कैमरा लैग्स काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं पहले के मुकाबले, अभी भी है पर कम है, गेम कभी कम लैग करता है, बैटरी बहुत कम ड्रेन होता है, और एक दिक्कत जो मुझे सबसे ज़्यादा होती है वो जो है स्लो चार्ज हो जाता है, मतलब बहुत ही स्लो चार्ज होता है, यही एक मुझे दिक्कत अभी तक फेस हो रही है। आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके सलूशन के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे आपको कौन कौन से दिक्कत फेस हो रहे हैं रियलमी C2 को यूज़ करते वक्त। ओके गाइस यार, तो यही था किया आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लगा था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा, बाय बाय, गुड बाय।